घर के अंदर भी बिग बॉस, घर के बाहर भी बिग बॉस, सब तरफ बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस एंड बिग फाइट, चाहे घर में हो या फिर बाहर। दोस्तों रातों रात हिना खान ट्विटर पर ट्रेंड कर रही थी। मैंने जब क्लिक किया तो पता चला कि पूरा गेम हो गया, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। वो इसलिए क्योंकि हिना खान और प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर संदीप सिकंद के बीच में एक अनकही कोल्ड वॉर शुरू हो गई अंकिता लोखंडे को लेकर। हालांकि दोनों पक्षों ने शुरुआत में नाम छुपाए, लेकिन बाद में खुलासा हो गया कि बात किसके बारे में हो रही थी। तो दोस्तों माजरा ये हुआ कि संदीप सिकंद ने अपने सोशल मीडिया पर बिना किसी कंटेस्टेंट का नाम लिए एक पोस्ट कर दी, जिसके अंदर लिखा था कि जो लोग अभी बड़ी बड़ी टीवी एक्टर होने की बातें कर रहे हैं, एक वक्त वो था जब वो खुद एक्टिंग किया करते थे और उन एक्टर्स की वजह से प्रोड्यूसर्स को बहुत तकलीफ होती थी। अब ये इशारा किसकी तरफ था? आई होप यू गॉट इट। यस, वेल अकॉर्डिंग टू ट्विटर एंड फैन बेस ऑफ अंकिता, हिना, संदीप सिकंद जी, एवरीबॉडी, लोगों ने ये गेस किया कि संदीप सिकंद का यह इशारा किसी और की तरफ नहीं बल्कि अंकिता लोखंडे की तरफ है। और बस इस बात पर सबसे पहले रिप्लाई किया नन अदर देन हिना खान ने खुद। हिना खान खुद बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ काम कर चुकी है। संदीप सिकंद जो है वो बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ एसोसिएटेड रह चुके हैं कई लंबे वक्त के लिए। उन्होंने कई सारे ऐसे शोज में क्रिएटिवली अपना योगदान दिया है जो शोज सुपर हिट रह चुके हैं, जिनमें से एक शो है पवित्र रिश्ता। यस, पवित्र रिश्ता में संदीप सिकंद के इनपुट्स बहुत बार आते थे और अच्छे आते थे, जिसकी वजह से शो इतना लंबा चला, सुपर डुपर हिट हुआ। अब हिना खान ने संदीप सिकंद के बारे में जो कहा या जो लिखा सोशल मीडिया पे, चाहे नाम लेकर या बिना नाम लिए, लेकिन हाँ उन्होंने अंकिता को टैग किया, वो ये था। हिना खान ने लिखा, यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर दैट आई डोंट इंडल्ज माई सेल्फ इन एनीथिंग रिलेटेड टू बिग बॉस। ऑब्वियसली बिग बॉस करने के बाद ऐसी बातें कौन लिखेगा। खैर, हिना जी आगे लिखती हैं, द फॉलोइंग स्टोरी इज नॉट अबाउट बीबी, बीबी एज एन बिग बॉस, इट्स अबाउट माई सेल्फ रेस्पेक्ट टू माई फेलो एक्टर एंड फ्रेटर्निटी। ओके, उसके बाद हिना खान ने पांच सवाल पूछे। नंबर वन, वी हैव सीन पवित्र रिश्ता सक्सेसफुल रन फॉर मेनी मेनी ईयर्स, व्हेन डिड पवित्र रिश्ता टेलीकास्ट रिपीट बिकॉज ऑफ अंकिता। ये उन्होंने सवाल उठाया है कि अंकिता लोखंडे की वजह से पवित्र रिश्ता का जो टेलीकास्ट है वो कब रिपीट हुआ, ये उन्होंने पूछा है। नंबर टू, इन अ फैक्ट्री लाइक क्रिएटिव अरेंजमेंट हाउ मेनी ईयर्स वुड यू सर्वाइव एज अ लीड, ये उनका दूसरा सवाल था। तीसरा है, कैन यू विथ ऑल सिंसियरिटी पोज द सेम क्वेश्चन टू फिल्म स्टार्स हु वर्क ऑन फिल्म टू फिल्म, आई रिपीट फिल्म टू फिल्म, एंड स्टिल ओनली वर्क अकॉर्डिंग टू अदर विम्स एंड फैंसीज विच आई बिलीव दे हैव अर्न ओवर द ईयर्स जस्ट लाइक एक्टर्स इन टेलीविजन, उनका एक तीसरा सवाल है। अब बात तो जायज है, क्या संदीप सिकंद जी या कोई भी इंसान जो फिल्म स्टार्स हैं, बड़े स्टार्स हैं, क्या उनसे सवाल पूछेगा। उसके बाद चौथा सवाल, हाउ लॉन्ग वुड यू सीक 2 मिनट फेम एट द एक्सपेंसेस ऑफ द पीपल फ्रॉम योर ओन फ्रेटर्निटी हु बाय ऑल मीन्स आर स्टैंडिंग अप फॉर आवर फ्रेटर्निटी। पांचवा और आखिरी सवाल जो हिना ने पूछा वो है, हु मेड यू द रिप्रेजेंटेटिव एंड और द प्रेसिडेंट और द माउथपीस ऑफ द एंटायर टेलीविजन इंडस्ट्री @ लोखंडे अंकिता। ऑब्वियसली ये सवाल उन्होंने इनडायरेक्टली संदीप सिकंद जी को पूछे, ऐसा सोशल मीडिया पर है, अभी भी हिना ट्रेंड हो रही हैं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हिना लिखती हैं, डिसएग्रीमेंट्स एंड डिफरेंसेस बोथ क्रिएटिवली एंड लॉजिस्टिकली एंड इनएविटेबल अमंग पीपल ऑन द सेट्स, बट इट्स नॉट अबाउट हु इज राइट और रॉन्ग, समटाइम्स इट कैन बी एन एक्टर एंड समटाइम्स अदर्स, इट्स ऑलवेज अ टू वे स्ट्रीट, एवरी इंडिविजुअल whether a creative, producer, actor, technician or crew member deserves due respect. However, bias is solely against the actor as an attempt to belittle them must be called out and discouraged. This becomes even more critical when it evidently an attempt to garner cheap publicity and fame. It's important and necessary to recognize when our actions fall beneath our dignity. अब इसके ऊपर संदीप सिकंद जी ने रिप्लाई दिया, थैंक यू फॉर एक्सटेंडिंग माई 2 मिनट्स फेम फॉर 4 मिनट्स,
much appreciated. A lot of my friends and followers want me to respond, but I really don't bark back at people who bark at me. Just not my style. As a viewer, I will continue with my opinions, and people with no jobs can find new jobs by responding to them. As they say, water off the duck's back. Hashtag get a life. इसके बाद लोग सोच रहे थे कि कौन सही है कौन गलत है, किसके बारे में क्या चीज आएगी, लेकिन इसके बाद खुद एकता कपूर ने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने कहा कि अंकिता लोखंडे और विकी जैन उन कुछ कलाकारों में से एक हैं जो काफी प्रोफेशनल हैं, यानी कि अंकिता के प्रोफेशनलिज्म के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो बस ये वो जो लड़ाई थी जिसके बारे में मैं आपसे कहना चाहता था, आपने कई जगह पढ़ा भी होगा। तो बस जिस एक्टर के बारे में दोनों पक्ष बातचीत कर रहे थे, एक पक्ष ने सवाल उठाया दूसरे पक्ष ने जवाब दिया, उसका जो पूरा कंक्लूजन है वो एकता कपूर के एक इंस्टाग्राम स्टोरी ने कर दिया। बिकॉज एकता कपूर पवित्र रिश्ता की प्रोड्यूसर थी, बालाजी टेलीफिल्म्स की मालकिन है वो, मतलब एकता कपूर यू नो, मैं उनके बारे में क्या बोलूँ, एवरीबडी नोज हु इज़ द एकता कपूर। उसके बाद अभी तक इस मामले में संदीप सिकंद की तरफ से कोई रिप्लाई बैक नहीं आया है। बट बिग बॉस का असर आप देखिए, घर के अंदर भी फाइट और घर के अंदर भी फाइट, इसीलिए इस शो को पूरा हिंदुस्तान इतना पसंद करता है। सो कीप वॉचिंग बिग बॉस ऑन कलर्स टीवी एंड जियो सिनेमा, एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टार स्टेशन टीवी। दिस इज राज दीक्षित साइनिंग ऑफ।